नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीवान महिला ब्लॉक संगठन की सैकड़ों महिलाओं ने शहीद उधम सिंह चौक चीका पर सीए पंचकुला और जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि अपने ऊपर लगे आरोप की निष्पक्षता से दोबारा जांच करने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं। महिलाओं ने अपने ऊपर लगे 1.5 करोड़ के घोटाले को बेबुनियाद बताया। महिलाओं का आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों ने मिशन को एक योजना के तहत षड्यंत्र रच कर बदनाम करने की कोशिश की है। अनाप शनाप शिकायतें कर महिलाओं को मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, उक्त मामले की जो प्रशासन की ओर से जांच की गई है वह भी निष्पक्ष नहीं है। कैथल से हमारे संवाददाता बबुल कुमार की रिपोर्ट। द्वारा जो विज्ञापन सौंपा गया है उसको जो है ना इनके मान सम्मान को देखते हुए सरकार में मांग रखी है। प्रदर्शन किया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका निर्णय है और एक ही वो है भी री इंक्वायरी दोबारा करने की मांग। जो एक साल से झगड़ा चल रहा है, जो कि पहले एडीसी से कार्रवाई की गई, डीसी को, डीसी ने कार्रवाई करके दे दी सीओ को, सीओ ने लेटर निकाल के आगे दे दिया यहाँ कैथल सीओ को भाई इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है जो 5 स्टाफ के मेंबर और 2 पदाधिकारी रेनु और सुनीता हमारे 7 जनों पे कार्रवाई की मांग कर रखी है। तो हमने यही है हमारा सिर्फ और सिर्फ भाई इसकी री इंक्वायरी दोबारा की जाए। क्या मांग बताएं जो आपके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई और उसमें आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का जो बात कही गई है इंक्वायरी में, वो क्या मांग है? ये मामला ये था, सीओ मैडम ने जो हमारे ही बीच में से महिलाएं जो कि पीआरपी के पद पे थी वो सीओ मैडम ने हटा दी ऊपर से। तो उन्होंने साजिश के रूप में सीओ मैडम के पास जाके उन्होंने वहाँ पे भी हंगामा किया। जो पहले अमरिंदर कौर मैडम से पहले सर था ना, उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने हटा दिया। तो वहाँ पे जब उनकी पावर नहीं चली तो उन्होंने यहाँ पे ही लेडीजों को आपस में पड़का के और यहाँ पे 1.5 करोड़ का घोटाले के बारे में अफवाह भी फैला रखी और साजिश भी कर दी है, जिसमें राजनीति तंत्र बिल्कुल सरेआम चल रहे हैं जी। और हमारे वर्ग की गरीब लेडीज फंस रही है। 1.5 करोड़ का घपला ये कुछ नहीं है, इसमें हमारे बीएलएफ का ऑडिट भी हो चुका है सर, जिसमें 1 रुपया का भी गबन नहीं है कहीं पे। हमारी सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन से यही मांग है भाई हमारी री इंक्वायरी 1.5 करोड़ है जो कि हमें लिखित में सारा लिख के ले आया और ऑडिट ने अभी तक हमें ऑडिट सबमिट नहीं किया है। वो उसमें सारा उन्होंने लिखित में बताया था भाई यहाँ पे कोई किसी प्रकार का भी घपला नहीं है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।